भगवत गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद का एक छोटा सा अंश जिसमें भगवान अपने परिवार को मनुष्य विरुद्ध ले जो अर्जुन है वो अपना कर्तव्य भूल जाता है, वो योद्धा का कर्तव्य भूल जाता है, तो भगवान अपने संवाद में उससे कहते हैं और योद्धा का कर्तव्य और योद्धा की महत्ता अर्जुन को बताते हैं। ये कविता के रूप में मैं सभी वीर सैनिकों के चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा चाहता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्वधार करते हुए और थरथर कांप रहा अर्जुन। कृष्ण से बोला, माधव मुझको बताओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, अरे कैसे कर उठेंगे उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, अरे कैसे कर उठेंगे उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत उसके पूर्व करूंगा मैं, केशव उसको मृत्यु दे दो उसके पूर्व करूंगा मैं। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत भाई मुस्काते थे, बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधार बरसाते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधार बरसाते थे। भगवान कहते हैं से खड़ा हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय प्रहार हुआ, मृत्यु
सत्यमेव जयते। अर्जुन युद्ध जीत जाता है और क्यों ना जीता, और युधिष्ठिर का राज अभिषेक होता है। कविता की अंतिम पंक्तियां जल लेती है, सुनिएगा कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया।